Hey everyone, this is Shazli, and welcome back to the official YouTube channel of Ada Twenty Four Seven. सो so, आज के इस वाले सेशन के अंदर हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स अलोंग विद दी एम तो आज का ये वाला जो सेशन रहेगा यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबलाइजेशन क्या है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं कौन कौन सी सिचुएशनस हैं जो उसको ड्राइव करते हैं यानी उसको बढ़ावा देते हैं फिर उसके बाद में इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि आपने जो आज समझा है क्या आप उसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि मेन चीज जो एग्जामिनेशन के अंदर है वो यही है कि आपने जो भी नॉलेज ग्रैस्प करी है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर या नहीं स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हम लोग तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सबसे पहली चीज सब्सक्राइब कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए एंड अड्डा की ट्वेंटी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एप जो है वो और डाउनलोड आप कर लीजिए तो सो so दैट आप और अच्छे अच्छे से फ्री uh, कंटेंट जो है वहां पर एक्सेस कर पाए ना आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स नाउ हम सबको पता है लेटेस्ट ईयर्स की अगर हम बात करें या हम लिबरलाइजेशन के बाद से बात करें 1991 के अंदर जो एलपीजी पॉलिसी आई जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं तो वी ऑल नो कि इसके बाद से जो ये ट्रेड बैरियर्स थे वो कहीं ना कहीं कम होने लग गए हैं यानी आप कह सकते हैं कि जब से डब्ल्यू आया है ट्रेड के ऊपर ऊपर वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर जब से हम फोकस करने लग गए हैं तो ये जो बैरियर्स है ना ट्रेड के अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स ये क्या होने लग गए हैं रिड्यूस होने लग गए हैं इससे हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस थी वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होने लग गई है यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट एप्पल एप्पल क्या करता है पहले प्रोडक्शन कहाँ पे करता था एप्पल चाइना में प्रोडक्शन करता था क्यों क्योंकि इट वाज चीपर टू प्रोड्यूस ओवर देयर अब ये प्रोडक्शन चाइना में क्यों कर पा रहा था कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बैरियर्स नहीं थे वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए फिर चाइनीज गुड्स यहाँ पर आके सेल होते हैं बहुत सारे गुड्स यहाँ आ रहे हैं हमारी कंट्रीज के जो गुड्स हैं हमारी यहाँ इंडियन कंपनीज के गुड्स बाहर जाके सेल हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग uh, कहीं पर हो रही है उसकी असम्बलिंग कहीं पर हो रही है फिर हम कहीं ना कहीं जो आउटसोर्स कर देते हैं कई बार को बहुत सारे अपने प्रोसेसेस को सो व्हाई और ऑल दीज हैपनिंग कहीं ना कहीं ये इसलिए हैपन हो रहे हैं क्योंकि ये जो बैरियर्स थे ट्रेड से रिलेटेड ये रिमूव हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं बहुत सारे ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं जैसे यू हो गया ई हो गया दैट इज़ यूरोपियन यूनियन जो एक तरीके से एक ब्लॉक है जिसके आपस की जो कंट्रीज़ हैं वो जो फ़्लो ऑफ गुड्स है सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं बैरियर्स नहीं लगाती हैं तो इन सारे ट्रेड बॉक ब्लॉक्स के आने की वजह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में बढ़ावा हो गया है अब जैसे हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में बढ़ावा हो गया है तो मीनिंग समझते हैं पहले ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या बैरियर्स हट रहे हैं मान लिया है क्या आखिर ग्लोबलाइजेशन तो दी टर्म ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब एज द रिमूवल ऑफ बैरियर जो हमने पहला पॉइंट देखा कि भाई बैरियर्स रिमूव हो गए हैं ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड अगर हम बात करें एंड जो अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स हम ट्रेड कर पा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में आज हम और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं एंड इंटर डिपेंडेंस बढ़ गई है इंटर कनेक्टिविटी बढ़ गई है आज आप इंडिया में रहते हैं बट क्या हम ट्रेंड देख पा रहे हैं कि यार अमेरिका में क्या ट्रेंड चल रहा है वहां पे लोग किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी वाले गुड्स यूज कर रहे हैं वी कैन लाइक सेंस दैट हम वो देख सकते हैं क्यों इंटरनेट है हमारे पास में हम गूगल कर सकते हैं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सारी चीजें सो व्हाट इज हैपनिंग हम डिमांड कर रहे हैं जब हम डिमांड कर रहे हैं उन गुड्स की देन व्हाट वुड हैपन हमारी कंट्री में उन गुड्स को इंपोर्ट होना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर की डिमांड हो रही है तो व्हाट इज हैपनिंग कहीं ना कहीं इंटर कनेक्टिविटी हो रही है इन कंट्रीज के बीच में इंटर डिपेंडेंस हो रही है अब हम लोग केवल अपने आप में जिसको हम कहते हैं जो है आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस कैपिटल मार्केट फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो रहा है एफडीआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने बाहर से लोग आते हैं यहां इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ की कंपनीज़ बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगेन मेन रीजन क्या है आपके जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं अमंग डिफरेंट रेजेस एंड कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ग्रो कर रहा है एक्सपैंड कर रहा है तो सीधी सी भाषा में ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया इन नेशंस के बीच का इंटर डिपेंडेंस जब ही भी कोई भी कंट्री सॉरी कोई भी कंपनी ट्रेड कर रही है तो बहुत सारे तरीके हैं यार देखो ट्रेड करने के मान लो एक इंडियन कंपनी है एक तो ये काम कर सकती है कि भाई जो गुड्स बनाए वो इंडिया को फोकस करते हुए बनाए एंड वो गुड्स इंडिया में सेल करे एथनोसेंट्रिक कहते हैं जिसको हम लोग एक दूसरा काम क्या हो सकता है कि भाई जाए यही गुड्स बना रही है लेकिन बाहर भी जाकर सेल कर रहे हैं यूएसए में भी सेल कर रहे हैं यूरोप में मतलब हर जगह पे जा जा करके इसको सेल कर रहे हैं दूसरा ये चीज हो सकता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ आप कह सकते हैं पहला कदम बढ़ाते हैं एक्सपोर्ट वगैरह करने की कोशिश करते हैं उसके आगे हम क्या करते हैं यार दूसरी कंट्रीज में जाकर के अपने ऑफिस सेटअप करने की कोशिश करते हैं ये काम करती हैं कंपनीज और जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करते हैं एंड जो फाइनल स्टेज होता है वो क्या होता है वो होता है ग्लोबलाइजेशन का स्टेट होता क्या है इस पूरे वर्ल्ड को जैसे ये एक पूरा वर्ल्ड है हमारा इस पूरे वर्ल्ड को मैं सिंगल मार्केट के तरीके से अगर ट्रीट करूं सिंगल मार्केट की तरीके से ट्रेड कर, ट्रेड करने का मतलब ये हुआ मैं इंडिया की कंपनी हूं लेकिन मुझे ये नहीं है कि इंडिया की कंपनी हो तो इंडिया में ही प्रोडक्शन करूंगी ना पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए यहाँ पे सबसे सस्ता प्रोडक्शन होता है तो मैं यहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग करूंगी यहाँ पे असेंबलिंग सबसे सस्ती हो रही है तो यहां से असेंबलिंग करूंगी सीईओ की पोजीशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए जो पर्सन बेस्ट होगा चाहे वो किसी भी कंट्री का किसी भी ओरिजिन का क्यों ना हो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को हायर लेवल पोजीशंस के ऊपर बैठाऊंगी, जिन मार्केट्स में मुझे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा पहले मैं गुड्स वहाँ टैप इन करने की कोशिश करूंगी ये जो इंटर डिपेंडेंस है ये जो इंटरनेट आपका इंटरकनिक्टिविटी है दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन करने की करना तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया इन नेशंस के बीच की इंटरकनेक्टिविटी इंटरडिपेंडेंस जब एक पर्टिकुलर कंपनी पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट के तरीके से ट्रीट करती है तो हम कहते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन कर रही है अब ग्लोबलाइजेशन का ड्राइवर क्या हो गया ड्राइवर का मतलब सबको पता है यार गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर क्या है जो गाड़ी को आगे लेके चला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करने का मतलब है ये जो हम कह रहे हैं कि यार इस वर्ल्ड को हम सिंगल मार्केट की तरीके से ट्रीट करेंगे जहाँ प्रोडक्शन सस्ता होगा वहाँ प्रोडक्शन करेंगे जहाँ से डिमांड आएगी वहाँ पे गुड्स को हम सर्व करेंगे तो इंटर डिपेंडेंट रहेंगे मतलब खाली अपनी कंट्री को नहीं देखेंगे ऐसी सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं आखिर इन सारी चीज़ों को ड्राइव कौन कर रहा है यानी बढ़ावा कौन कौन सी चीजें दे रही हैं ग्लोबलाइजेशन को तो अ अ ड्राइवर इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ चेंज चेंज ये जो आ रहा है पहले हम खाली अपनी कंट्री के बारे में सोचते थे या एक कंट्रीज के बारे में अब हम पूरे वर्ल्ड को इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहे हैं तो ये जो चेंज आ रहा है ये किन चीजों की वजह से आ रहा है किन फैक्टर्स की वजह से आ रहा है तो जो मेन ड्राइवर्स है ना ग्लोबलाइजेशन के वो है आपके एक तो हो गया, example, वो कोई आ, ऐसी टेक्नोलॉजी के हैं जो आ, थोड़ा पीछे जैसे मान लीजिए थ्री जी के थ्री जी को फोन फोकस कर रहे हैं या फोर जी को अभी हम लोग फाइव जी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम क्या कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम बाहर कि जो फोन्स है बाहर की जो कंपनी फोन्स बना रही है उनको इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों की डिमांड है तो एक हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा हाँ मिल रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आप अगर गवर्नमेंट के बजट वगैरह पे फोकस रखते होंगे गवर्नमेंट की जो आ, पॉलिसीज आती हैं उन पे अगर आप ध्यान देते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि लेटेस्ट ईयर्स के अंदर जो अगर मैं पिछले दस सालों की अगर बात करूँ तो एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि लेटेस्ट ईयर्स में जो गवर्नमेंट है वो अपने सेक्टर्स को ओपन अप करने की कोशिश कर रही है पहले जिस सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे वो अगर एच फॉर एग्जांपल 24 परसेंट अप टू 24 परसेंट अलाउड थे वो अभी 51 परसेंट तक अलाउड हो गए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट सेवेंटी फोर परसेंट तक अलाउड हो चुके हैं तो वट इज हैं आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन एक एक करके नाउ वील बी मूविंग टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है इसकी वजह से इट इज बिकमिंग ईजीअर फॉर पीपल गुड्स एंड आइडियाज टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स हम भी यार पहले अगर आप सोचो अगर आपको यूएसए जाना होता था या कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाना होता तो बहुत टाइम लगता था जाने में शिप से जाते थे एक एक महीना दो दो महीना साल लग जाते थे लोगों को पहले के ज़माने में जाने में आज अगर आपको जाना है इट्स वेरी ईजी आप एक दिन दो दिन के अंदर आप पहुँच सकते हैं विद ऑल दी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल्ड गुड्स की आप बात करिए आप आइडियाज की बात करिए तुरंत मूव हो जाते हैं आइडियाज तो क्या क्यों हो रहे हैं ये सारी चीज़ें बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है हमारी फॉर एग्जाम्पल एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एज ऑलरेडी सेल्फ पहले बहुत टाइम लगता था ट्रेवल करने में आज नहीं लगता है तो एडवांसमेंट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वास्ट अमाउंट ऑफ पीपल जा रहे हैं प्रोडक्ट बहुत सारा प्रोडक्ट इधर से उधर जा रहा है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में अभी आप लोग मेरे ख्याल से सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं इंस्टाग्राम यूज करते हैं एक मैसेजिंग आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस है ये व्हाट्सएप खास करके आप यहाँ पे बैठे हैं इंडिया में आर एबल टू कम्युनिकेट पर्सन सिटिंग इन यूएसए सिटिंग इन जर्मनी हाउ टेक्नोलॉजी इससे क्या हो जा रहा है आपका कहीं ना कहीं ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है ऑर्डर्स आप जान पा रहे हैं आप जो है उनकी प्रोसेसिस जान पा रहे हैं कि यार ये आज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ये पर्टिकुलर चीज हो रही है आप सीधे सीधे आप मैसेज पे बोल पा रहे हैं आप कॉल पे बोल पा रहे हैं कि यार ये मुझे यहाँ पे भेज दो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है कम्युनिकेशन एक तरीके तो से बहुत ज्यादा इजी हो गया है क्यों हो गया है बिकॉज टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो चुकी है

विद इन नो टाइम आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं अगेन क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है हमारी नेक्स्ट ड्राइवर की अगर हम बात करें सेकेंड वन ऑफ इट दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली ट्रेड बहुत हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन ड्राइव रहा है अब ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करता है इंटरनेशनल ट्रेड क्यों

अगर मेरे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स है ही नहीं तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं आप सोच करके देखिए वो सारी खत्म हो जाएंगी। सो so... आइसोलेशन में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सेल्फ सफिशिएंट होना आज के सिचुएशन uh, में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है न दे मस्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज हम बाहर के गुड्स यूज कर रहे हैं एक सर्टिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए छोटी सी चीज़ आप देख लीजिए चाहे परफ्यूम आप ले लीजिए चाहे आप कपड़े ले लीजिए आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे जो इंडियन नहीं है बाहर के ब्रांड्स हैं एंड अगेन ऐसा नहीं है कि खाली हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं ऑब्वियसली ट्रेड ओवर या मींस इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट द एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग मेनी कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव इनएक्टेड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट फ्यूल ग्लोबलाइजेशन हमारी भी पॉलिसी है मेरे ख्याल से आप लोगों कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना पसंद करेंगे विच पॉलिसी इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन कोई पॉलिसी आई थी क्या 1991 में, हिंट दे रही हूं. 1991 में कौन सी पॉलिसी आई मैंने आज के सेशन में इनफैक्ट बोला भी है ये कौन सी पॉलिसी है जिसने फेसिलिटेट किया ग्लोबलाइजेशन को गुड आफ्टरनून विश्वास Absolutely, that is LPG policy, liberalisation, privatisation, globalisation, which we have new economic policy. For example, the elimination of trade barriers and the reduction of foreign investment restrictions have helped to create a global market marketplace. वट इज हैपनिंग गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस कर रही है क्योंकि डब्ल्यू टी ओ जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसपे अगेन मैं एक सेपरेट सेशन लूंगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड फेसिलिटेट करने के लिए आती है इसके जो जो कंट्रीज मेंबर्स हैं उनको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना पड़ गया नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे एफ हो गया एफ हो गया एफ हो गया एफ डी आई तो ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं ये डिराइव कर ये ड्राइव कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को मेनी कंट्रीज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स अगर आप इंडिया की ही बात करें तो हमारे जो पीएम एम है प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बैरियर्स रिड्यूस करने की बात हो रही है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा जो है वो आए ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म यूज फॉर ट्रेड दैट अकर्स अक्रॉस सेवरल नेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड देर आर मेनी कंपनीज दैट अलाउड कंपनीज टू डू बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रेड फैसिलिटेट हो गया ग्लोबलाइजेशन ड्राइव हो गई हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैरियर्स ख़त्म होने लग गए हैं टेक्नोलॉजी एडवांस होने लग गई हैं एंड देर आर अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स जिसको अब हम और कम्युनिके अब और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि है कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कम्युनिकेश कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या हम आज के सिनेरियो की बात करें तो पहले हम इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे इतने अच्छे से कम्युनिकेट करने का मतलब है टाइम बहुत ज्यादा लगता था कम्युनिकेशन में जैसे आज मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए कोई भी ये प्रोडक्ट जिसकी मुझे आज नीड है बट मैं ये नीड अगर दूसरी कंट्री में ये प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है ये जानने में मुझे टाइम लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है कि नहीं आपके पास में फिर अगर है तो आप यहाँ भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे दूसरा कितने रुपए में भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे यानी प्राइसेस डिसाइड होना फिर उसको से पहले इतना इजी नहीं था जितना आज हो गया है आज तो आप ऑनलाइन आप खोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट यू हैव अ डिमांड एंड यू प्लेस एन ऑर्डर सिंपली आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं वहां पे क्या हुआ यहाँ पे कम्युनिकेशन विद मेजर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन दी इयर्स कोई भी आप आज देखिए वेबसाइट खोलते हैं एप्लीकेशन खोलते हैं अगर आपको हेल्प का सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है तुरंत तो आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए या कुछ चाहिए आप वो हेल्प के सेक्शन में टाइप करते हैं या कॉल करते हैं कस्टमर केयर विद इन मिनट्स आपको सोल्यूशन मिल जाता है यू प्लेस एन ऑर्डर कम्युनिकेशन

एक्सेस ही नहीं था कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते थे इंटरनेट था नहीं हमारे पास में आप वेबसाइट्स विजिट नहीं कर सकते थे जो मेरे सामने प्रोडक्ट्स हैं मुझे इन्हीं में से चूज करना पड़ता था बट अभी हमारे पास में वो चीज़ें अवेलेबल है वेबसाइट्स अवेलेबल है हम जाकर चेक कर सकते हैं अगेन दिस इज ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल पहले गवर्नमेंट हर एक चीज़ पर कंट्रोल करती थी आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं पैसा बाहर भेज रहे हैं ईच एंड टू बी द द गवर्नमेंट आज के टाइम ऐसा नहीं है कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है ना फ्री अग्रीमेंट बहुत सारे जो है, कंट्रीज हैं उन्होंने फ्री अग्रीमेंट करके रखे हैं यानी जैसे यूएसएमसी की मैं बात करू यूएस मैक्सिको कैनेडा इनके बीच में फ्री एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट है यानी ये कंट्रीज आपस में जो ट्रेड करती हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के कोई भी बैरियर्स जो हैं, वो नहीं लगते हैं जैसे कस्टम ड्यूटी और ये वो ये सब नहीं लगती हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर ईयर इससे क्या हो जाएगा इनका ट्रेड जो है वो ड्राइव हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो रही है बिजनेसेस आर एनकरेज टू सर्च आउटसाइड ऑफ देर इमीडिएट एरिया फॉर बिजनेस पार्टनर्स कंज्यूमर की डिमांड आज हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं। हमारे को आज ये वाला गुड्स नहीं चाहिए जो आप कह सकते हैं जो आ, हमारे सामने अवेलेबल है हमें आज वो गुड्स चाहिए जो कहीं यूएसए में प्रोड्यूस हो रहा है हम ऐपल के डिमांड करते हैं इंडियन नहीं है वो बट आज आप इंडिया में रह करके हर दूसरे इंसान के पास देखिए आईफोन आपको दिखेगा क्यों क्योंकि डिमांड हो रही है इसीलिए ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से यहाँ आ रहा है ग्लोबलाइजेशन अगेन क्या चीज़ ड्राइव करी इसको कंज्यूमर की डिमांड हमारी और आपकी डिमांड ने इस चीज़ को ड्राइव किया एज द पॉपुलेशन ऑफ दर्ल्ड इंक्रीजेस कंज्यूमर्स के पास एक्सेस है मोर गुड्स का कंपनीज है जो कस्टमर्स को ढूंढ रही हैं कि यार मेरा गुड्स कौन सा कस्टमर जो है वो खरीद सकता है एज मोर एंड मोर पीपल आर एक्सपोज टू मीडिया हम यार मूवीज में देखते हैं हम बोलते हैं यार ये या आलिया भट्ट वाला लहंगा हमें हाँ चाहिए कहाँ जाते हैं फिर हम वो मन एवर मोहे एंड ऑल वो एज वी आर सींग हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए सो वट इज हैपनिंग यहाँ पे कहीं कही ना कहीं हमारी डिमांड्स हैं कि हमें यार वो विराट ने जो पहना था हमें वो चाहिए जो तो दीपका ने जो ड्रेस पहनी थी वो चाहिए और इज हैपनिंग हमारा डिज़ायर है हमें ये वाली कार चाहिए जो हमने एडवर्टिजमेंट में देखी जो हमने मूवी में देखी हमें ये वाले रेस्टोरेंट जाना है हमें ये वाली कंट्री विजिट करनी चाहिए ये अच्छी लग रही है सो वाट इज़ हैपनिंग हमारी डिमांड दूसरी चीज़ गुड आफ्टरनून राजेंद्र कॉस्ट क्योंकि इतना कम्युनिकेशन एडवांस हो चुका है तो बहुत सारे ऐसे ओपन लोकेशंस हैं जहां पे सप्लाईज है यानी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वर्क फ्रोर्स अवेलेबल है जो कि कम एक्सपेंसिव है लेस एक्सपेंसिव है सस्ता है हमारी खुद की कंट्री के कंपैरिजन में तो so, हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर ना करके उस लोकेशन पे जाके मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए अगेन जो पूरी कंट्री में बेस्ट लोकेशन पर जाके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं दिस इज वॉट दिस इज एग्जैक्टली वॉट ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ लो प्रोडक्शन कॉस्ट

फॉर एन एग्जांपल यू आर एन इंडियन कंपनी थे जो पानी को 24 तक या कोल्ड रखती थी अब uh, इंडिया का मार्केट इतना है इतना ही है मार्केट हमारा

ग्रोथ स्टेज में आया मेरा प्रोडक्ट सॉरी ग्रोथ स्टेज में आया मेरा प्रोडक्ट एंड इस स्टेज पे आ गया सैचुरेशन अभी क्या अभी या तो नीचे आएगा डिक्लाइन हो जाएगा मैं कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी ना उसका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चला जाए तो उसको क्या करना है सैचुरेशन पे मेंटेन करना है अपने प्रोडक्ट को और ऊपर लेके जा रहे हैं. क्या करना है उसके लिए मार्केट इंक्रीज करना पड़ेगा तो अब केवल इंडिया में इसको सेल करके काम नहीं चलेगा कस्टमर और चाहिए तो ये मार्केट बढ़ाना पड़ेगा ये मार्केट कैसे बढ़ेगा जब और कंट्रीज की तरफ आप जाएंगे तो अगेन अ ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन मार्केट का फोर्स जब आपको एक्सपेंशन करना है आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए ग्रोथ एक कंट्री में रह के लिमिटेड है तो दूसरी कंट्रीज तक आपको जाना पड़ेगा इन अपॉर्चुनिटीज को टैप इन करने के लिए ज दिग्री टू बिच दी टेस्ट ऑफ पीपल अराउंडिटी दूसरे दूसरेउट करने की कोशिश जो है वो करते हैं अब जब भी आप किसी मार्केट में अपना प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल आई एम प्रोड्यूसिंग वॉटर बॉटल जो ट्वेंटी फोर आवर्स तक पानी ठंडा रखती है कोल्ड रखती है अब मैं ऐसी कंट्री में चली जाऊं इस प्रोडक्ट को लेके जहां पहले से ही फ्रीजिंग पॉइंट पे हैं लोग नहीं लेंगे ना हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं ऐसी कंट्री में जाके ट्रेड करना जहां सिमिलैरिटी हो लोगों की डिमांड्स एंड नीड्स की टेस्ट ऑफ पीपल जहाँ पे सिमिलर हो वहाँ पे ऑब्वियसली अपन रीच आउट करने की कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट एपन करने के लिए वो मार्केट सिमिलर भी हमारा होना चाहिए फिर आ जाते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है जहाँ पे चीपर होता है वहाँ पे प्रोडक्शन करने की कोशिश हम करते हैं न देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल जब आप इकट्ठा प्रोडक्शन करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो क्या होता है ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना लार्ज को जो मिलती है शिपमेंट कॉस्ट आर रिड्यूस पर यूनिट देखो मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को दस रुपए की कॉस्ट लग रही थी क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल लेके आना था इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी थी अब जैसे ही मैं ये प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगी मैं रॉ मटेरियल बल्क में लेके आऊंगी और हम सबको पता है यार जब हम होलसेल पे लेके आते हैं जब हम बल्क में लेके आते हैं तो कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है तो लेट्स से फॉर एन एक्जाम्पल ये नाइन पॉइंट फाइव रुपीज का एक प्रोडक्ट जो है वो मेरे को पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और प्रॉफिट कमाने के दो तरीके या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा लो या तो कॉस्ट प्राइस रिड्यूस कर लो लेकिन प्रॉफिट हमारे लिए हो जाएगा यहाँ गवर्नमेंट ड्राइवर्स गवर्नमेंट के फोर्सेस की वजह से क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है मार्केट को डी रेगुलेट कर रही है द मोर द गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्री ट्रेड को अलाउ करे उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रेंड करेगा हमारे मार्केट में एंड कंपटीशन बहुत कंपटीशन है आज अगर हम देखें तो यू सी अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट की हम बात करिए कितनी ब्रांड्स अवेलेबल है आप मोबाइल फोन सोचिए एंड नंबर ऑफ ब्रांड्स यू फाइंड आप कपड़े सोचिए एन नंबर ऑफ़ ब्रांड्स यू यूल फाइंड आज मुझे अगर एक टॉप खरीदना होता है ना एज अ गर्ल तो हम लोग ऑलरेडी ऐसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं बट आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा हो गए हैं यार कन्फ्यूज किसी एक मॉल में आ जाइए आपको इतने ब्रांड्स मिलेंगे आप लोकल मार्केट चले जाइए आपको इतने डिजाइन मिल जाएंगे कहीं आप चले जाइए देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल कंपटीशन बढ़ गया है नो विद द ग्लोबल मार्केट ग्लोबल इंटर इंटोपर्म कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनाइजेश में रहोगे यार्पिटिशन कॉम्पिटिशन बाहर की फॉर्म आ रही है ना आपसे कंपीट करने के लिए तो आपको भी तो बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि फिर यही एक मार्केट बन रहा है आप कमाओगे क्या यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा लोगे आप यहाँ पे ऑब्बियसली यू हैव टू गो ग्लोबल इन दिस पोर्टिकुलर सिनारी क्वेश्चन देखेंगे आप देखो ग्लोबलाइजेशन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा है क्या ग्लोबलाइजेशन आंसर करने की कोशिश करो इसको अब ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू

चलो क्वेश्चन नंबर टू आंसर करने की कोशिश करो मेरी क्लास आई बिलीव सबको टाइमिंग याद हो गई होगी डेली वन पीएम पे, पे मेरी सेशन होगी तो क्वेश्चन क्या है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन सा ड्राइवर नहीं है तो बोल रहे हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर का टेस्ट बिटवीन दी जो है uh, आपका कंट्रीज देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है मल्टीनेशनल कंपनी सक्सेसफुली परसुएट गवर्नमेंट्स टू लोअर ट्रेड बैरियर्स तो बिल्कुल ये करती हैं ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस हो रहे हैं हमारे ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है ये तो ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन का द नीड टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल भाई ये हम कर रहे हैं तभी हम बाहर जा रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं लोअर कॉस्ट के ऊपर कॉम्पिटेटिव प्रोसेस विच इज अगेन अ ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये तीनों तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हैं पहले वाले में देखिए क्या लिखा है फ्रेगमेंटेशन होना कंज्यूमर के टेस्ट का बिटवीन दी कंट्रीज फ्रेगमेंटेशन समझते हो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना टूट जाना और हमने क्या देखा था कि जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन तो ये ऑपोजिट हो गया ना पॉइंट हमारा फ्रेगमेंटेशन मतलब काट देना बंटवारा कर देना बांट देना ठीक है है ऑप्शन नंबर जो वो करेक्ट आंसर हो गया बिकॉज दिस इज नॉट अ ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेरी गुड पी नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज क्यों बेनिफिशियल है आपको यहाँ पे बताना है ग्लोबलाइजेशन होम्स के लिए देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्यों बेनिफिशियल है भाई फॉर्म के लिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रोटेक्ट करता है फॉरेन कंपटीशन से बिल्कुल नहीं करता फॉरेन कंपटीशन तो इंक्रीज हो जाता है हमारा में लिखा है क्वेश्चन करता है हमें इवेंट्स के इफेक्ट से क्वेश्चन करने का मतलब बचा लेना दूसरी कंट्रीज की नहीं बचाता यार ये तो हमें और ज्यादा आगे लेके आ जाता है इंक्रीज कर देता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑपरेट करने का ग्लोबल अब ये करता तो है रिस्क एंड सर्टिनिटी लेकिन ये बेनिफिशियल तो नहीं हो गया है ना ये तो एडवांटेज तो हो नहीं ये तो डिसएडवांटेज हो गया तो सी में देखो क्या लिखा है इट अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज तो ये एक एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का फॉर्म्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इंटरनेट जो फैसिलिटेट करता है ग्लोबलाइजेशन को आजकल इंटरनेट की वजह से बहुत बढ़ावा मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन को तो कैसे मिल रहा है चार ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चलो देखने की कोशिश करेंगे यस एब्सोल्युटली बी यू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट फैसिलिटेट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है फैसिलिटेट करने का मतलब हो गया पुश करना किसी चीज को ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं यार ये तो इजी हो गया है बल्कि

कैसे फैसिलिटेट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है कम्युनिकेशन का हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल भी लिया था इसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो गई है आजकल एंड हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जल्दी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सो दिस इज हाउ इंटरनेट फैसिलिटी इज फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक like कर दीजिएगा सेशन को एंड जो है अडा टू अडा ट्वेंटी फोर सेवन की जो ऑफिशियल आपके लिए ऐप आप है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट आप मेरे कंप्लीट कोर्सेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं जो कि आपको अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन की ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज ऐप के ऊपर मिल जाएगा क्या करना है आपको अडा ट्वेंटी फोर सेवन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यू जी सी जून 2023 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा कंप्लीट कोर्स कॉमर्स से रिलेटेड मिल जाएगा फाउंडेशन कोर्स है बेसिक जो हाई वन हंड्रेड प्लस लाइव सेशंस आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या करना है बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है विच इज जो आपको सेवेंटी तक का डिस्काउंट दिलाएगा विच इज वाई 7, 6, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस code को आपको apply करना है, which is Y760, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पे के रखा हुआ है आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसको अप्लाई करके व्हाट हैपेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये कोर्स फोर थाउजेंड सम का जो है वो पड़ गया है वैलिडिटी सिक्स मंथ्स रहेगी ये वाले कोर्स के लिए ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है थर्ड ऑफ अप्रिल से ठीक है तीन अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर दो सेशंस रहेंगे यानी दो यूनिट्स आपकी साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर तो आपका कोर्स जो है ताकि जल्दी खत्म हो जाए दो क्लासेस दो यूनिट्स आप एक साथ पढ़ रहे होंगे एंड आपका जो कोर्स है ये नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे इसको खत्म करने का जून अटेम्प्ट से पहले ताकि आपको रिवि का टाइम जो है वो भी मिल जाए अगेन एट वन पी एम ओनली ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यूजीसी ने ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज यो यूजीसी नेट कॉमर्स बुश्रा शाजली साइनिंग ऑफ टिलेर